कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं से डॉक्टर दिव्या राय आज आपके सामने टेंस की एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ और आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, टेंस से रिलेटेड जितनी भी प्रीवियस वीडियोज हमने पढ़ी वो सब प्रेजेंट टेंस की सब कैटेगरीज थी, जिनमें की हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे डिस्कस किया। ओके, आज हम इस वीडियो में पास्ट टेंस की कैटेगरीज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को पढ़ने से पहले या वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने से पहले आप सबको वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ऑन टिप लर्न होनी चाहिए और ये आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब्स की सेकंड फॉर्म जब यूज करनी होगी तो हेल्पफुल होगी। सो फर्स्टली लर्न वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ओके, तो स्टूडेंट्स चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी टू टेंसेज, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टूगेदर इन दिस वीडियो। ओके, फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है इसको एक बार देख लेते हैं। कार्य के होने का बोध भूतकाल में हो, कहने का मतलब ये है कि इससे रिलेटेड जो टेंस सेंटेंसेस होते हैं उसको देख करके ऐसा बोध होता है, उसे पढ़ करके ऐसा बोध होता है कि जो कार्य है वो क्या हो गया है, भूतकाल में ही, बीते हुए समय में ही समाप्त हो गया है। सेकंड चीज क्या होती है इसमें, वाक्य के अंत में लिया, दिया, आया, गया, ली, दी की, मतलब कहने का है ये है कि जो भी क्रिया है वो भूतकाल का बोध कराए। ओके, एग्जाम्पल से इसको और क्लियर कर लेते हैं। वह खाया, यहाँ देखिए वह खाया मतलब खाने का कार्य जो है वो भूतकाल में ही समाप्त हो गया है, तो इसमें क्या हो गया, ही एट। तुम झूठ बोले, अब यहां भी देखिए झूठ बोलना, तुम झूठ बोले मतलब तुम झूठ बोल चुके हो, भूतकाल में ही तुम्हारा ये कार्य समाप्त हो गया है, यू टोल्ड अ लाई। ओके स्टूडेंट्स, ये भी तीन टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। इसको फर्स्टली हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में समझते हैं। स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए, सब्जेक्ट देन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पे अटेंशन, वर्ब की सेकेंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब यह है कि यहाँ सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब लिखी जाएगी, आना जाना, खाना पीना, जो भी वर्ड हो, जो भी वर्ब के रूप में आए वो उसकी केवल और केवल सेकेंड फॉर्म ही यूज होती है। चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में हो, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ब हमेशा सेकेंड फॉर्म में ही होती है। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। मेरे पिताजी बाजार गए, अब यहां देखिए मेरे पिताजी सब्जेक्ट, बाजार ऑब्जेक्ट और गए, गए क्या मतलब जा गए, वो कार्य उनका समाप्त हो गया, वो बाजार जा चुके हैं। ओके, देन तो क्या हो गया, माय फादर सब्जेक्ट, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट टू मार्केट, माय फादर वेंट टू मार्केट। ओके, सेकेंड देखते हैं, उसने एक पत्र लिखा, अब यहां भी देखिए कार्य क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है भूतकाल में, ही रोट अ लेटर, रोट क्या है, राइट का सेकेंड फॉर्म। हमेशा ध्यान दीजिए यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी यूज होगी, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में हो, चाहे सिंगुलर नंबर में हो। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, मैंने उसे एक पेंसिल दी, यानी कि भूतकाल में मैंने ये कार्य कर दिया, उसे पेंसिल दे दी, आई गेव हिम अ पेंसिल। अब यहां देखिए आई क्या है, सब्जेक्ट, गेव क्या है, गिव का सेकेंड फॉर्म। क्लियर, सभी में देखिए क्या हुआ है,
सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, देन ऑब्जेक्ट। ओके, नेगेटिव पे आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि नेगेटिव सेंटेंस में नहीं का वर्ड आता है, वो इसलिए वो नकारात्मक होते हैं। और ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे स्ट्रक्चर पे आती हूँ। इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट देन डिड नॉट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पे अटेंशन, जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस अफर्मेटिव में रहता है तो वहां पर सब्जेक्ट होता है प्लस सेकेंड फॉर्म होती है वर्ब की और देन ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेज में आते ही इसमें कुछ चेंजिंग हो जाती है। वो किस तरह की होती है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो वर्ब होता है वो फर्स्ट फॉर्म में हो जाता है, सेकेंड फॉर्म यूज नहीं होती है, देन ऑब्जेक्ट। ओके, इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। राम स्कूल नहीं गया। अब यहाँ आपको क्या बोध हो रहा है सेंटेंस को, सेंटेंस को देख करके कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन कार्य अभी भी भूतकाल में ही समाप्त हुआ है। चेंजिंग सिर्फ इतनी होती है इसमें कि इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म न लग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और डिड नॉट लगता है, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में हो चाहे सिंगुलर नंबर में हो, डिड नॉट का ही प्रयोग होता है ठीक सब्जेक्ट के बाद। एग्जाम्पल के थ्रू देखें, राम स्कूल नहीं गया, राम डिड नॉट गो टू स्कूल। यहाँ देखिए, राम सब्जेक्ट देन डिड नॉट, जैसा कि मैंने बताया, देन गो, गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, यहाँ सेकेंड फॉर्म का यूज करता ही नहीं होगा। ओके, सेकेंड है, उसने तुम्हें नहीं पुकारा, ही डिड नॉट कॉल यू। यहाँ भी आपको क्लियर हो रहा होगा, मैंने कॉल्ड नहीं लिखा, मैंने कॉल लिखा है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेहा आज नहीं आई, नेहा डिड नॉट कम टूडे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको फर्स्टली देख लेते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में टू टाइप्स के सेंटेंसेस बनते हैं। फर्स्टली एस और नो वाले बनते हैं एंड सेकेंडली डब्ल्यू एच फैमिली वाले क्वेश्चन बनते हैं या डब्ल्यू एच फैमिली वाले सेंटेंसेस बनते हैं। ओके, इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। फर्स्टली एस और नो क्वेश्चन का देखते हैं। सबसे पहले डेट का प्रयोग, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, यहां भी देखिए ध्यान से कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज हुई है। सेकेंड जो है डब्ल्यू एच फैमिली का क्वेश्चन, डब्ल्यू एच फैमिली वाले सेंटेंसेस, इसमें क्या होता है, फर्स्टली क्या करते हैं हम, उस वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं जो कि क्वेश्चन वर्ड होता है, देन डिड का प्रयोग करते हैं, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जो एस और नो वाले क्वेश्चंस होते हैं या सेंटेंसेस होते हैं, उसमें क्या शब्द जो होता है वो वाक्य में सबसे पहले आता है, बट जो डब्ल्यू एच फैमिली वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या, क्यों, कैसे शब्द जो होता है वो वाक्य के बीच में आता है। ओके, तो अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू और बेटर समझते हैं। फर्स्टली टाइप वन, क्या शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया। यहां देखिए सेंटेंस में क्या वर्ड जो है वो सबसे पहले आया है, इसलिए यहाँ पे क्या की इंग्लिश न लिख करके ठीक जो हेल्पिंग वर्ब है उसे फर्स्टली राइट करेंगे। तो डिड द टीचर टीच द स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए मैंने डिड लिखा, फिर क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, देन क्या लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी, देन ऑब्जेक्ट। ओके, सेकेंड देखिए, क्या आपने पुस्तक खरीदी। यहां भी देखिए क्या वर्ड सबसे पहले आया है, इसलिए डिड देन यू देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स एक चीज आप ध्यान रखिए हमेशा,
कि जब आपको अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन लगे कि ये एस और नो वाला है सेंटेंस है और डब्ल्यू एस फैमिली वाला सेंटेंस है, तो आपको ये चीज सोचनी चाहिए कि जब भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं तो वो एस और नो वाले सेंटेंसेस होते हैं। और जब हमें हाँ और ना में सिर्फ आंसर देने से काम नहीं चलता जिस क्वेश्चन के या जिस सेंटेंसेस के, तो वहां वो डब्ल्यू एस फैमिली वाले क्वेश्चन या सेंटेंसेस होते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि आपसे कोई पूछे कि डिड द टीचर टीच द स्टूडेंट, तो आप ये कहोगे कि यस yes, इतने से आपका काम चल जाएगा। या कोई आपसे पूछे कि डिड यू बाई अ बुक, तो आप वहां कहोगे यस yes, तो यहाँ काम चल जाएगा। और नो भी कह सकते हो आप। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जिस भी सेंटेंस का, जिस भी क्वेश्चन का आंसर हम एस और नो में दे सकते हैं वो किस तरह के होते हैं, वो एस और नो वाले सेंटेंसेस होते हैं, एस और नो वाले क्वेश्चन होते हैं। ओके okay? थर्ड है, क्या बच्चों ने फुटबॉल खेला। यहां भी देखिए, फर्स्टली वी राइट डिड द चिल्ड्रेन प्ले फुटबॉल। यहां भी देखिए प्ले का मैंने क्या किया है, प्ले की वर्ब जो है, प्ले वर्ब है, उसकी फर्स्ट फॉर्म को यूज करा है। ओके क्लियर। टाइप टू पे आते हैं, यहां देखिए वे लोग वहां क्यों गए। यहाँ देखिए मैंने आपसे बोला था कि डब्ल्यू एच फैमिली वाले क्वेश्चंस में क्यों, क्या, कैसे जो का जो वर्ड होता है वो हमेशा सेंटेंस के बीच में आता है। और जब बीच में आए तो हमें उसकी इंग्लिश लिखना कंपलसरी हो जाता है। यहाँ देखिए व्हाई डिड दे गो देयर, यहाँ सबसे पहले मैंने क्वेश्चन वर्ड जो था उसका उसकी इंग्लिश लिखी, देन डिड लिखा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ भी यूज होगी, देन देयर। वह कहाँ गया, अब यहाँ देखिए कहाँ की इंग्लिश लिखनी बहुत कंपल्सरी है, तो यहाँ लिखेंगे वेयर डिड ही गो। थर्ड है, तुमने मुझे फोन कब किया। अब यहाँ देखिए कब क्या है, सेंटेंस के बीच में यूज हुआ है, तो यहां भी कैसे लिखेंगे, कब की इंग्लिश लिखेंगे, देन डिड पे आएंगे, तो क्या लिखेंगे, वेन डिड यू कॉल मी, वेन डिड यू कॉल मी। क्लियर। ओके, अब हम सबने पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पढ़ लिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फर्स्टली हम ये जानेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है। कार्य के भूतकाल भी जारी रहने का बोध होता है। सबसे पहले तो कार्य हो तो रहा है कब, भूतकाल में, लेकिन वो भूतकाल में भी क्या है, जारी रहता है। और हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है। सिंपल, पास्ट मीन्स क्या होता है, भूतकाल। कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है, जारी रहना। जो भी कार्य भूतकाल में जारी रहे वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड होता है। अब यहां देखिए इसके एग्जांपल को थोड़ा समझ लेते हैं कि मोना नाच रही थी। अब मोना नाच तो रही है बट कहां, कब, सॉरी कब, भूतकाल में, लेकिन भूतकाल में उसके नाचने का कार्य जारी है। नेक्स्ट, मैं घूम रहा था, सेम वही चीज, वाक्य के अंत में रहा था है, इससे पूरी तरह से क्लियर हो रहा है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। थर्ड है, राधिका रो रही थी, इसमें भी देखिए रही थी है वाक्य के अंत में और कार्य भूतकाल में जारी रहने का बोध हो रहा है। ओके क्लियर। नेक्स्ट, इसमें भी तीन टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं, क्या होता है इसमें, सब्जेक्ट, देन was और were, then verb की first form, then ing, then object। अब इसमें was का भी use होता है और were का भी use होता है, but कुछ conditions होती हैं। क्या होती हैं? ध्यान दीजिए, singular number यानी कि एक वचन subject के साथ was का प्रयोग होता है और प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज होता है। स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताई हैं कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। आप अगर इसमें कंफ्यूजन है आपको, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ओके इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। मेरे पिताजी बाजार जा रहे थे, यहाँ देखिए
पिताजी जा रहे थे, रहे थे भूतकाल में, बाजार जा रहे थे, लेकिन वो कार्य भूतकाल में क्या है, जारी रहने का बोध हो रहा है। माय फादर वॉज गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ देखिए माय फादर चूंकि सिंगुलर नंबर है इसलिए वॉज का यूज हुआ है, देन गो क्या है वर्ब है जिसमें कि आईएनजी का यूज हुआ है, देन ऑब्जेक्ट। सेकेंड है रेखा सो रही थी। यहाँ भी देखिए रेखा क्या कर रही है, सो रही है। रेखा सिंगुलर नंबर है इसलिए वाज का यूज हुआ है, देन स्लीप में आईएनजी का यूज होकर के क्या बन गया, ये स्लीपिंग बन गया। ओके क्लियर। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके फर्स्ट वी नो अबाउट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, देन वाज और वर्ब, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट। यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ लोग वर्ब को वेयर को भी जो वर्ब होता है उसको वेयर प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन होता क्या है रियलिटी में वर ही इसको बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखिए बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे। यहाँ देखिए बच्चे क्या है, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, सो यहाँ पे प्लूरल नंबर है तो यहाँ वर का यूज होगा, तो द चिल्ड्रेन वर नॉट मेकिंग अ नॉइज। कुछ नहीं करना है, सिर्फ वॉज और वर के बाद नॉट का यूज कर देना है और वॉज की फर्स्ट फॉर्म लिख देनी है, देन और सब चीजें वैसे ही होंगी जैसी अफर्मेटिव सेंटेंस में हो रही थी। ओके सेकेंड है विनीता कॉलेज नहीं जा रही थी। विनीता वॉज नॉट गोइंग टू कॉलेज। क्लियर। यहाँ भी देखिए विनीता सिंगुलर नंबर है इसलिए वॉज लिखा मैंने, देन उसके बाद नॉट का यूज होता है किसके पहले, वर्ब से ठीक पहले और वॉज के ठीक बाद, तो यहाँ पर क्या हो गया नॉट लग गया, देन अदर चीजें वैसी ही है। थर्ड है आकाश में तारे नहीं चमक रहे थे, द स्टार्स वर नॉट ट्विंकलिंग इन द स्काई। यहाँ स्टार्स तारे बहुत सारे तारे हैं इसलिए यहाँ वर्ब का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नंबर है, देन ट्विंकलिंग देन नॉट देन ट्विंकलिंग ट्विंकल में आई एन जी का यूज हो गया और देन ऑब्जेक्ट। क्लियर, मे बी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। ओके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसके बारे में मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया है कि मैंने टू टाइप्स क्यों लिखे हैं, ये क्या होता है, तो मुझे ये बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हम सीधे अपने स्ट्रक्चर पे आते हैं। जो एस और नो वाले होते हैं क्वेश्चन, उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होता है, देन सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट। और जो सेकेंड टाइप होता है उसमें डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड होता है, देन वाज वेयर होता है, वाज वर होता है सॉरी, और देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट। ओके ओके वी कम ऑन द एग्जाम्पल। क्या तुम सो रहे थे, वर यू स्लीपिंग। यहां देखिए क्या शब्द जो है वो सेंटेंस में स्टार्टिंग में ही आया है, सो यहां हम इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, यहां हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे स्टार्टिंग में, तो यहां पर यू के साथ आप देखेंगे कि वर्ब का यूज हुआ है। यू क्या है, सेकेंड पर्सन। अब आपको लग रहा होगा कि सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, तो इसके लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखनी होंगी जिससे आपका ये डाउट क्लियर होगा। यू हैव टू वॉच माई प्रीवियस वीडियोस फॉर क्लियर दिस डाउट। ओके सो यहाँ पे देखिए वर यू स्लीपिंग, वर लगा, यू के अकॉर्डिंग वर का यूज हुआ है, फिर इसके बाद यू का यूज हुआ है, फिर स्लीप में आई एन जी एड है इसलिए स्लीपिंग हुआ। ओके क्लियर। सेकेंड पे आते हैं, क्या रजनी पत्र नहीं लिख रही थी। यहाँ देखिए क्या सेंटेंस में स्टार्टिंग में ही आ गया है, तो यहाँ पे वॉज का यूज होगा। रजनी क्या है, सिंगुलर नंबर है, यहाँ पे रजनी के साथ वॉज का यूज हुआ है, देन नॉट, देन राइटिंग अ लेटर। कहने का मतलब यह है कि अगर वाक्य में, हिंदी वाक्य में नई शब्द आता है, नई शब्द, तो इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि यदि वाक्य में, हिंदी वाक्य में नहीं आता है तो नकारात्मक होता है और उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्जेक्ट से बाद, सब्जेक्ट के ठीक बाद और वर्ब के ठीक पहले नॉट का यूज हो जाता है। ओके क्लियर। आगे अब टाइप टू को देख लेते हैं। इसमें देखिए आप क्या खेल रहे थे। यहाँ देखिए क्या शब्द जो है वो सेंटेंस में बीच में आया है, सो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे। क्या की इंग्लिश क्या आती है, व्हाट, तो यहाँ लिखेंगे व्हाट,
वर यू प्लेइंग। यहाँ भी देखिए यू के साथ वर का यूज हुआ है, तो सबसे पहले हमने क्या की इंग्लिश लिखी, देन वर लिखा, देन यू लिखा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी ऐड है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे। ओके तो स्टूडेंट्स सेकंड देखते हैं, माँ उसे क्यों डांट रही थी, व्हाई वाज मॉम स्कोल्डिंग हिम। यहाँ देखिए सबसे पहले क्यों की इंग्लिश, व्हाई, देन हेल्पिंग वर्ब जो कि आपके टाइप वन में था, सेम वैसी चीजें चलेंगी, ठीक व्हाई के बाद सेम वैसी चीजें चलेंगी जो आपके टाइप वन में चल रहा था, इंटरोगेटिव सेंटेंस के टाइप वन में चल रहा था। तो यहाँ पे हो जाएगा मॉम क्या है, सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ वाज का यूज होगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होगा, फिर देन ऑब्जेक्ट। ओके आगे देखिए, वह उसे क्यों पीट रहा था, व्हाई वाज ही बीटिंग हिम। यहाँ देखिए क्यों की इंग्लिश हो गई, व्हाई, देन ही क्या है, सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे वाज का यूज होगा, देन बीटिंग, बीट में आईएनजी लगा, ये हो गया बीटिंग, देन हिम। ओके क्लियर। चलिए स्टूडेंट्स अब तक हमने जो कुछ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो भी डिस्कस करा, जो भी पढ़ा, जो भी स्टडी करा, उसको बेस करके, उसको बेस पे रखते हुए मैंने कुछ एक्सरसाइजेस दी हैं जिसको कि आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो मैं इसे एक बार रीड आउट कर देती हूँ ताकि आपको उसको समझने में क्लियरिटी हो। चलिए, मेरे पिताजी पार्क में टहले। सेकेंड, मैंने आम खाया। थर्ड इज, रीता खेलने जा रही थी। फोर्थ, मोहन अपना पाठ याद कर रहा था। एंड नेक्स्ट वन इज, क्या तुम अखबार पढ़ रहे थे। नेक्स्ट, उसका पुत्र विद्यालय नहीं गया। नेक्स्ट, क्या लड़कियों ने गीत नहीं गाया। एंड लास्ट वन इज, वह क्या करने जा रहा था। ओके मे बी आपको क्लियर हो गया होगा, आप इसको देखिए, इसको समझिए और उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। ओके तो स्टूडेंट्स कैसी लगी वीडियो आपको, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने इसको बेहतर ढंग से समझा भी होगा। आज हमने इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कवर किया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम सब पास्ट टेंस की एक नई सब कैटेगरी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।